हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमडी के बारे में और क्यों मैं एएमडी से भी खफा हूं। क्या एएमडी ने मुझे इनफ पे नहीं किया, या फिर इंटेल ने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, या फिर मुझे एनवीडिया ने पैसे दिए दबा के 5-10 करोड़ रुपए ताकि मैं एएमडी के बारे में बुरा बोल सकूं। तो मे बी वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी मुझे ज्यादा खिलाती है पैसा। पर आज हम बुराई करेंगे एएमडी की, और क्यों करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं बोलूंगा, अगर आप कोई भी कमेंट पोस्ट कर रहे हो तो प्लीज पहले वीडियो को एंड तक देखो, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, एंड देन वीडियो में जो है वो जाके कमेंट कर लो। अगर तुम्हें फर्स्ट 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 कमेंट करना है वो तो तुम अभी कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको वीडियो या वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना है तो मैं बोलूंगा पहले एंटायर वीडियो को देख लो, ध्यान से सुन लो, फिर कमेंट करना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पहली चीज क्लियर कर दूं कि मुझे एएमडी के प्रोडक्ट से कोई भी इशू नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एएमडी के प्रोडक्ट बेकार परफॉर्म करते हैं, एएमडी के प्रोडक्ट्स अच्छी वैल्यू नहीं देते, या इस टाइप की कोई भी चीज़। मुझे एएमडी के प्रोडक्ट से प्रॉब्लम ही नहीं है। हम यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक सीपीयू या ग्राफिक्स कार्ड उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे कि ये बहुत बेकार परफॉर्मेंस देता है या ऐसी, नहीं हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। मेरे को आज दिक्कत है एएमडी की मार्केटिंग टीम से एंड एएमडी इंडिया से एंड एएमडी की प्राइसिंग से। क्यों? देखो मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्कशन समझाता हूं, ये अभी की बात नहीं है। देखो मार्केटिंग का तो मैं क्या ही बोलूं, मार्केटिंग का प्रॉब्लम एएमडी का अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का है। जब तुम्हारा ये क्या बोलते हैं 400 सीरीज रिलीज हुई थी, तुम्हारी 470 480, उस टाइम से एएमडी की मार्केटिंग का, उस टाइम से क्या उससे पहले से, वैसे तो मतलब एएमडी की मार्केटिंग ऐसी थी कि उनका जो 480 ग्राफिक्स कार्ड है वो तुम्हारे सबसे हाई एंड एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड को बीट करेगा, ऐसी मार्केटिंग करके एएमडी ने उसको रिलीज किया था। लेकिन रिलीज करके हुआ क्या, तुम्हें पता है आरएक्स 480 कितना पावरफुल है, ठीक है, पता है तुम्हें कि वो किस ग्राफिक कार्ड से कम्पीट करता है। फिर उसके बाद एएमडी क्या है, रेडियन वेगा की हाइप किया, भाई हमारा वेगा जो है वो पता नहीं क्या क्या उखाड़ लेगा। उसके ऊपर एएमडी ने लिटरली अपने चैनल पे वीडियोस तक डाले हुए, इतने खतरनाक खतरनाक, रेडियन रिबेलियन, मतलब तुम वीडियोस देखोगे ना एएमडी की तुम्हें शर्म आ जाएगी कि जो वेगा जो निकला और जो वेगा है, जो वेगा निकला और जो वेगा की वो लोग प्रमोशन कर रहे थे, मतलब कंप्लीट ऑपोजिट। वेगा इतना, मतलब वेगा जो है, वेगा भी जो है वो तुम्हारे 1080 Ti या किसी को बीट नहीं कर पाया, वेगा भी जो है वो तुम्हारे हद मार के 1080 तक रहा, फिर पावर कंजम्पशन, हीट आउटपुट और नॉइज एंड पता नहीं क्या क्या उसके अंदर इशूज थे। हाँ बाद में उसकी प्राइस डाउन हो गई तो वो एक बेटर वैल्यू बन गया, लेकिन जब वो लॉन्च हुआ था मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फिर रेडियन 7 हुआ, रेडियन 7 के टाइम पे तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, उसकी तो क्या तो अवेलेबिलिटी थी और वो फ्यू थाउजेंड पीसेज वो बने थे। बट अब कई लोग बोलेंगे वो गेमिंग चिप नहीं था, लेकिन एएमडी ने उसमें गेमिंग बेंचमार्क भी दिखाए थे, तो मैं टेक्निकली बोलूँगा कि एएमडी उसको मार्केट एज अ गेमिंग चिप ही कर रहा था, लेकिन जब लोगों ने गालियाँ दी तो फिर उसको एज अ प्रोडक्टिविटी की तरह उन्होंने जो है वो धकेल दिया। फिर उसके बाद तुम्हारा आया 5700 XT या फिर 5700, जो कि डिसेंट चिप थे, उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन ड्राइवर इश्यूज के चक्कर में वो भी जो है वो उनमें थोड़ी बहुत बदनामी हुई, पर वो चिप एकदम मैं बोलूँगा कार्ड अच्छे थे, ठीक है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और अब जो है वो एएमडी की खतरनाक मार्केटिंग टीम ऐसी है कि जो एएमडी की मार्केटिंग टीम ने बोला कि उनके जो अभी तुम्हारे 6800 XT और 6800 ग्राफिक्स कार्ड आए हैं ये पेपर लॉन्च नहीं होंगे, इनके तुमको एनवीडिया से ज़्यादा स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन तुम्हें दुनिया में ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे वेबसाइट्स ने सीधा बैनर लगा दिया अपनी साइट पे कि हमारे पास एएमडी के कोई कार्ड नहीं है, ना हम तुमसे प्री ऑर्डर लेंगे, ना कुछ और करेंगे, हम तुमसे कोई पैसा नहीं लेने वाले, ना हमारे पास कार्ड आने वाले हैं। और ऐसा एक साइट ने नहीं, मल्टीपल साइट्स ने किया है। दूसरी बात, एएमडी के जो खुद के मार्केटिंग के लोग हैं, ठीक है, जैसे फ्रैंक इज़ोर, जो कि मैं बोलूँगा एज अ पर्सन बहुत अच्छे इंसान है, मैं मिल चुका हूँ, लेकिन जो जिस टाइप से वो एएमडी की मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केटिंग चल रही है उनकी, जिस हिसाब से वो लोगों के ट्वीट्स के रिप्लाई कर रहे हैं जो कि तुम देखोगे स्क्रीन पर, और ना केवल मैं बल्कि पूरे दुनिया में इस मीडिया इसको कवर कर रहा है। और मैं बोलूँगा कि जब मीडिया इसको कवर कर रहा है तो पता नहीं मेरे इंडियन टेक ट्यूबर्स भाई लोग कहाँ हैं, जो कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह सब डालते हैं, जो कि पीसी बिल्ड वीडियोज़ डालेंगे, ऐसे वीडियो डालेंगे जिन पर व्यूज़ आएँ, लेकिन जब बात आती है कि क्या बोलते हैं, जब उनको एक्चुअली में अपने पीसी गेमर्स जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उसके बारे में कुछ करना है, उनके लिए जब आवाज़ उठानी है, कुछ करना है, तो देन कोई तुम्हें वीडियो डालता हुआ नहीं दिखेगा। जब एक्चुअली में कोई इशू आता है ना, तो कोई तुम्हें पॉइंट आउट करता हुआ दिखेगा नहीं, कोई भी नहीं, मतलब लाइक कोई भी नहीं, चाहे तुम बड़े से बड़ा टेक ट्यूबर ले लो इंडिया में पीसी टेक ट्यूबर, या छोटे से छोटा ले लो। मैं अपने फेलो पीसी टेक हार्डवेयर रिव्यूअर से, जिनको मैं बोलूँगा कि अगर आप खुद को रिव्यूअर बोलते हो तो प्लीज़ रिव्यूअर की तरह कंपनी की पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों दिखाओ, क्योंकि अगर आप किसी के प्रोडक्ट को बेंचमार्क कर रहे हो, उनको अच्छा दिखा रहे हो, तो प्लीज़ जो वो लोग खराब कर रहे हैं तुम्हारे कंज्यूमर्स के साथ, जो उनको लूट रहे हैं, प्लीज़ उस साइड को भी कवर करो, ठीक है। पीसी टेक ट्यूबर बनने का सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो है वो व्यूज़ ही कमाने हैं। नाउ मेन टॉपिक पे आते हैं, इमोशनल हो गया था मैं ज़्यादा, इमोशनल, वाओ, ठीक है। तो मेरा देखो ऐसा कुछ नहीं है कि एएमडी ने खराब प्रोडक्ट्स बनाए, एएमडी के
ऑसम इंजीनियर्स हैं, ठीक है, ऑसम इंजीनियर्स। लेकिन यहाँ पे चलो मैं बात करता हूँ अभी जो प्रोडक्ट रिलीज हुए हैं, RX 6000 सीरीज का जो ये लॉन्च है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड 1080p 1440p पे तुमने देख लिया होगा कितना अच्छा इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ, रे ट्रेसिंग में एनवीडिया आगे है, बट कई लोग जिनको रे ट्रेसिंग नहीं खेलनी, जिनको अभी भी 1080p हाई रिफ्रेश रेट 1440p हाई रिफ्रेश रेट पे गेमिंग करनी है, जो लोग 2K 144 हर्ट्ज़ के मॉनिटर लेके बैठे, उनके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। मैं मना ही नहीं कर रहा, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, AMD ने अच्छी चीज़ बनाई है, उसमें मुझे इशू ही नहीं है। अब बात करते हैं इनके प्राइसिंग की। अभी देखो, US में जो प्राइसिंग है वो ठीक है, US वालों के हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से ठीक है। इंडिया पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनवीडिया की। अगर तुम एनवीडिया का 3070 देखो, तो एनवीडिया का जो RTX 3070 है, ठीक है, एनवीडिया के, मैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे तुम्हें एनवीडिया की वेबसाइट से पढ़ के बता रहा हूँ, एनवीडिया का जो RTX 3070 है, 3070 तुमको मिलता है $500 का। $500 को अगर तुम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आज की डेट में वो बनता है 37,063 रुपये। 63 रुपये को हटा दो, 37,000 बनते हैं। $500 इज इक्वल टू 37,000 इंडियन रुपीज। इसमें तुम लगा दो 18% जीएसटी, तो 37,000 पे जब तुम 18% जीएसटी ऐड करते हो तो बनता है 6,660 रुपये। इस 6,660 को तुम 6,700 मान लो, ठीक है, तो जब तुम 37,000 में 6,700 जीएसटी ऐड करते हो तो ये बनता है तुम्हारा अराउंड कितना, 44,000 के आसपास। और अगर तुम एनवीडिया इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे तो 3070 तुमको कितने का मिल रहा है, 44,500 का। मतलब कि अगर तुम US प्राइसिंग को कन्वर्ट करोगे इंडियन प्राइसिंग में, प्लस 18% इंडिया का जीएसटी ऐड करोगे, तो एग्जैक्ट प्राइस उसके ही आसपास का तुम्हें जो है वो एनवीडिया की साइट पे मिल जाएगा ग्राफिक कार्ड। हाँ, अब देखो स्टॉक नहीं है, तुम खरीद नहीं पाओगे, वो बात अलग है, वो सबके साथ है, वो तो AMD का भी तुम अभी नहीं खरीद सकते, ठीक है, AMD के कौन से स्टॉक ज्यादा अच्छे चल रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन प्राइसिंग की बात करते हैं, कम से कम ऑफिशियल प्राइसिंग तो सही है, कम से कम जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्राइसिंग दर्शाई है, दिखाई है, वो ऑफिशियल प्राइसिंग तो ठीक है, ठीक है। 3080 की बात करते हैं, 3080 एनवीडिया बेच रहा है 62,000 का। USA में कितने का लॉन्च हुआ, US डॉलर में इसकी प्राइसिंग बताऊंगा तो $700 है। $700 को इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बनता है, 51,888 मान लो, राउंड ऑफ करके 52,000 में 18% जीएसटी ऐड करेंगे, जो कि बनता है 9,360 रुपये के आसपास, जिसको कि हम टोटल करेंगे तो 52,000 में तुम 9,500 ऐड कर लो तो कितना बना तुम्हारा, 61,000 के आसपास, और 61 बनता है, और 62,000 में ये एनवीडिया बेच रहा है, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे 3080। मतलब जितना US डॉलर में है उसी में 18% जीएसटी ऐड करके तुम्हें एनवीडिया बेच रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ स्टॉक नहीं है, वो अलग टॉपिक है, कम से कम एनवीडिया ने प्राइसिंग जो है वो 1-to-1 रखी है, मतलब जितनी US डॉलर में है उतनी इंडिया में है, प्लस टैक्सेस। अब टैक्सेस तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मोदी जी हम टैक्स नहीं देंगे, 18% जीएसटी है, वो हर चीज़ में तुमको देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो है, ठीक है, तो 1-to-1 प्राइसिंग है, ठीक है। AMD की बात करते हैं, AMD का भी ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुआ है, मुझे नहीं पता इन लोग को क्या नशा ही करके बैठे हैं, मुझे नहीं पता इनको कम्पीट करना है नहीं करना। AMD का जो 6800 है, ठीक है, 6800 जो कि 3070 की कम्पीट करेगा, वो है $579 का। $579 को तुम इंडिया में कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में तो बनता है अराउंड 42,919, ठीक है, जो कि 43,000 मान लो, उसमें 18% जीएसटी ऐड करते हैं तो तुम्हारा बनता है जीएसटी 7,800 मान लेते हैं, ठीक है। अगर तुम इन दोनों को प्लस करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा 6800 की प्राइसिंग बननी चाहिए जीएसटी ऐड करके 50,000 के आसपास, ठीक है, 50,000 के आसपास तुमको इसकी प्राइसिंग बननी चाहिए। लेकिन AMD इंडिया ने प्राइसिंग कितनी रखी है, ये AMD इंडिया की ऑफिशियल प्राइसिंग है, और उन्होंने ऑफिशियल प्राइसिंग रखी है 45,999, ये विदाउट जीएसटी है। अब इसमें तुम जीएसटी ऐड करते हो तो तुम्हारा ये ग्राफिक कार्ड बनता है कितने का, तुम्हारा ये ग्राफिक कार्ड बनता है 54,278 रुपये का। 54,000 मतलब नॉर्मल प्राइसिंग से 4,000-5,000 रुपये ऊपर, जो कि कंप्लीट 100, अगर तुम US में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें लगभग $100 या $80 तुम ज़्यादा दे रहे हो कंपेयर टू US प्राइसिंग, यानी 1-to-1 नहीं है। और ये 6800 की है, जब 6800 XT की प्राइसिंग इन्होंने अभी तक रिवील नहीं करी है ऑफिशियली AMD इंडिया ने, वो भी ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगी। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, मैं क्यों एनवीडिया लोगों को रिकमेंड ना करूं? ऐसा तो है नहीं कि एनवीडिया के कार्ड बेकार है, ठीक है, अगर होता कि AMD का कार्ड रे ट्रेसिंग में भी बेटर होता, AMD के ड्राइवर भी बढ़िया होते, AMD का जो है वो सब कुछ बढ़िया होता, ठीक है, उसमें कोई इशू ही नहीं होता, और NVIDIA से वो हर चीज़ में आगे होते, जो कि नहीं है। रे ट्रेसिंग में NVIDIA आगे है, NVIDIA के पास DLSS है, NVIDIA के पास बेटर ड्राइवर सपोर्ट है, NVIDIA के पास जो है वो तुम्हारा ब्रॉडकास्ट, NVIDIA शेडो प्ले, तुम्हारा NVIDIA का क्या बोलते हैं अपना नॉइस कंप्रेशन एंड पता नहीं कि फलाना फलाना फीचर्स हैं। 4K में NVIDIA स्टिल अच्छा परफॉर्म करता है। तो जब NVIDIA थोड़ा बहुत लीड है, NVIDIA के पास अपने पॉक्स हैं, तो मुझे नहीं पता ये लोग अपनी प्राइसिंग इंडिया में ठीक क्यों नहीं कर रहे, एडिशनल प्राइसिंग पे तुम लोग को ये बेच रहे हैं कार्ड। और ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ
ये AMD की इंडिया की प्राइसिंग है। अभी जब तुम अपने असूस के MSI के गीगाबाइट के कार्ड लोगे वो ऑफ कोर्स और महंगे होंगे, प्लस अभी अवेलेबिलिटी तो है नहीं, ना तुम NVIDIA का ले सकते हो ना तुम AMD का ले सकते हो। तो जो तुमको बाजार में कार्ड दिखेंगे ना वो Amazon वेमेजोन पे और लोग बेचते हुए सेलर वेलर पे, तो तुमको वो और महंगे दिखेंगे। जब ऑफिशियल प्राइसिंग ही इन्होंने NVIDIA से ऊपर रखी है तो दुकानों में तो ये तुम्हें और महंगे दिखेंगे ना, ऑफ कोर्स ही बात है, ऑब्वियस ही बात है। ये तो 50,000 के कार्ड को 55,000 का बेचना, मतलब कहाँ का सेंस है ये। और ये मैं 6800 का बोल रहा हूँ, 6800 XT का नहीं बोल रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है कि AMD जब तुम्हारे पास इतने प्यारे प्यारे इंजीनियर्स हैं जो इतने इनक्रेडिबल कार्ड्स बना सकते हैं, जो इतने इनक्रेडिबल CPUs बना सकते हैं, ठीक है, तुम कौन सा गांजा फूक के प्राइसिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कौन सा गांजा फूक मतलब पिलाते हो। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये कार्ड्स नहीं है, मेरे पास ये कार्ड्स आने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि AMD ने मुझे जो है वो रिव्यू यूनिट सेंड नहीं करा है या फिर कुछ, इसलिए मैं ये रेंट वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास ये कार्ड आने वाले हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास ये कार्ड आने वाले हैं। मेरे पास NVIDIA के कार्ड्स मैंने रिव्यू कर लिए, मेरे पे AMD के मैंने जो 5000 सीरीज के CPUs थे वो मैंने फर्स्ट डे पे रिव्यू करे थे जिस दिन लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मेरे पे CPU भी नहीं आते AMD की तरफ से, आते हैं, ठीक है। मैं स्टिल इस इशू को कवर कर रहा हूँ बिकॉज इशू होता है। सेम चीज मैंने इंटेल के साथ करी थी, अगर तुम इंटेल की मार्केटिंग स्लाइड देखोगे तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो इंटेल ने अपनी फॉल्स मार्केटिंग स्लाइड बनाई थी जिनके अंदर जो है वो AMD को नीचा दिखा रहे थे, मैंने उसके ऊपर भी कवर करा था। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इंटेल बायस होकर, मतलब कि इंटेल अच्छा है करके मैं जो है वो सिर्फ इंटेल की साइड लूंगा, AMD की नहीं लूंगा। मैंने इंटेल की भी मार्केटिंग की बेइज्जती करी थी, ठीक है, जब उन्होंने गलत मार्केटिंग करी थी, और मैं अब AMD कर रहा है तो मैं उसकी भी ऑफ कोर्स दोनों साइड बराबर मैं करूंगा और आपके सामने एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लाऊंगा। कार्ड्स अच्छे हैं, CPUs अच्छे हैं, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन ये कैसी प्राइसिंग है कि आप जो है वो इतना एडिशनल चार्ज कर रहे हो? मतलब क्या जो भी ये प्राइसिंग डिसाइड करता है इंडिया की प्राइसिंग वगैरह, क्या मतलब क्या गांजा साथ में भेजते हो क्या ईमेल के साथ में लोगों को पिलाने के लिए कि मतलब इंडिया में जो है तुम एडिशनल 5000 रुपीज चार्ज कर सकते हो? और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब लो अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब तुम्हारी जो है वो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, AMD के जो है वो कार्ड्स बहुत सारे मार्केट में है, NVIDIA के मिल ही नहीं रहे। अब जब NVIDIA के मिल ही नहीं रहे तो मजबूरी में लोगों को AMD का लेना पड़ेगा, है ना। अगर AMD के कार्ड्स मार्केट में मिल रहे होते, ठीक है, या फिर बहुत सारे भरपूर मात्रा में होते, सप्लाई की इशू ही नहीं होता, तो चलो एक पल के लिए बोल भी देते कि NVIDIA का तो मिल ही नहीं रहा, AMD तो ऑफकोर्स अपने कार्ड के लिए फिर ज़्यादा ले ही रहा है, तब हम ये कह सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक मार्केट में दो चावल के ब्रांड है और पूरे मार्केट में जो है वो चावल और कोई बेचता ही नहीं है, एंड चावल के दो ब्रांड है, इनका नाम है एक ए और एक बी। अभी ए ब्रांड के पास चावल है और बी के पास भी है, तो जब तक दोनों के पास है तो लोग उससे लेंगे जिसका अच्छा होगा एंड जिसकी प्राइस अच्छी होगी, राइट, जब तक ए और बी दोनों पे। अब ए के पास चावल है ही नहीं बेचने को, तो बी अपनी किसी भी प्राइस पे बेच सकता है। बी चाहे वो 1,00,000 का 1 किलो बेचे, चाहे 1,000 रुपये का 1 किलो बेचे, चाहे 100 रुपये का 1 किलो बेचे। अब जिसको खाना है, जिसको भाई भूख मिटानी है, तो वो ऑफकोर्स चाहे 1,000 का हो चाहे 1,00,000 का हो, मजबूरी में लेगा ही लेगा क्योंकि पेट तो भर नहीं है भाई, है ना। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है। अगर ऐसा होता कि NVIDIA के कार्ड नहीं मिल रहे होते, AMD के मिल रहे होते, तो मैं बोलता कि चलो ठीक है, NVIDIA के मिल नहीं रहे, AMD पैसा कमाना चाहता है, 5000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया अब कि तुम्हारा कार्ड मिल रहा है, NVIDIA का नहीं मिल रहा, तो जो मिल रहा है तो उसको लेगा ही बंदा 5000 रुपये एक्स्ट्रा देगा। ना NVIDIA का कार्ड मिल रहा है, ना AMD का कार्ड मिल रहा है, और कार्ड उनका मिल भी नहीं रहा, मार्केटिंग तुम फॉल्स मार्केटिंग कर रहे हो कि तुम्हारा पेपर लॉन्च नहीं होगा, ये नहीं होगा, CPUs तुम्हारे उतने वैसे महंगे मिल रहे हैं, लाइक 28,000, 30,000, 35,000, पता नहीं कितने का तुम्हारा 5600X बिक रहा है, और अब जो है वो 5000-6000 रुपीज हम एक्स्ट्रा पे करें एक कार्ड के लिए। ये 5000-6000 तो AMD चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके ऊपर से जो तुम्हारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इनसे जब तुम ये कार्ड खरीदोगे, जब वो महंगा मिलेगा, तो ये तुमको मिलेगा कितने का, 60 का, 70 का, में भी पता नहीं कितनी शॉर्टेज होगी उसके हिसाब से। और फिर जब तुम उसमें AIB मॉडल का कार्ड लोगे, लाइक असूस का स्ट्रिक्स, लाइक MSI का ट्रिपल फैन वाला, वो और महंगे मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि AMD चार्ज किस चीज़ का एक्स्ट्रा कर रहा है। CPU डिपार्टमेंट में लाइक फॉर एग्जांपल कह सकते हो कि जो तुम्हारा 5600X है वो i5 से भी फास्टर है, तो ठीक है, तुमने i5 से ऊपर उसकी प्राइसिंग रख दी। लाइक गेमिंग में भी फास्टर है i5 से, इस बार तो गेमिंग में भी फास्टर है i5 से, ठीक है। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटेल का CPU गेमिंग में फास्टर है और AMD का एडिटिंग में नहीं, AMD का CPU गेमिंग में भी फास्टर है, एडिटिंग में भी फास्टर है, तो ठीक है, एक पल के लिए तुमने उसकी प्राइसिंग हाई रख दी, जबकि वो भी हाई है, वो प्राइसिंग हाई है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल कम से कम रीजन तो है कि हमारा गेमिंग में भी फास्ट है और एडिटिंग में भी फास्ट है, तुम्हारे पास एक रीजन है बोलने का। लेकिन यहाँ पे तो वो रीजन भी नहीं है। ड्राइवर NVIDIA के अच्छे हैं, रे ट्रेसिंग में NVIDIA अच्छा है, हाई रेजोल्यूशन में NVIDIA के पास थोड़ी एज है अभी भी, और NVIDIA के पास अपने स्पेशल फीचर्स लाइक DLSS और वो सब है। तो AMD चार्ज किस बात का कर रहा है स्पेशली इंडिया में 5000 रुपीज, ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात। और AMD की मार्केटिंग टीम कौन सा गांजा नशा फूंक के ऐसी बैठी हुई है जो ये ऐसी प्राइसिंग रख रही है। और AMD इंडिया को तो मैं क्या ही बोलूँ, इनका तो लाजवाब सीन चलता है। अब AMD इंडिया को पता क्या लगता है, ये लोग पता नहीं कौन से फैंटेसी लैंड में रहते हैं जहाँ पे इनके पास यूनिकॉर्न्स एंड रेनबोज, पता नहीं कौन से फैंटेसी लैंड में रहते हैं, और उनके इस फैंटेसी लैंड में, उनके इस इमेजिनरी वर्ल्ड में
AMD इंडिया को लगता है कि अपेरेंटली इनके जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कौन खरीदेंगे, मोबाइल लोग जो मोबाइल की वीडियो देखते हैं, जो लोग मोबाइल रिव्यू करते हैं ये कार्ड उनको देते हैं, इनको लगता है कि अपेरेंटली उनसे इनके कार्ड्स बिकेंगे। तो मुझे नहीं पता कि इनकी जो है वो इनको लगता है कि वो जो 10,000 के मोबाइल खरीद के उनमें पबजी खेलने वाले लोग हैं वो तुम्हारे 50,000 के ग्राफिक कार्ड को जिसके कि तुम 55,000 का बेच रहे हो एक्स्ट्रा 5,000 चार्ज करके वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो पता नहीं AMD इंडिया कौन से नशे करके मार्केटिंग कर रहा है, बट प्लीज़ ये प्राइसिंग के बारे में तुम लोग का क्या ख्याल है और तुम लोग को क्या लगता है प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने व्यूज़ जो है वो नीचे लिखें। मेरे को कहीं पर भी AMD के प्रोडक्ट से बिल्कुल इशू नहीं है कि इनकी परफॉर्मेंस बेकार है या कुछ हुआ है, मेरे को प्राइसिंग से और इनकी फॉल्स मार्केटिंग से इशू है। और फॉल्स मार्केटिंग तो मैं क्या ही बोलूँ इस बार, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन प्राइसिंग वो भी स्पेशली इंडिया में, लाइक व्हाट द हेल। तो प्लीज़ गाइज़ अपने व्यूज़ कमेंट में बताओ मुझे प्लीज़।